तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डायोड को एलईडी से चेक कैसे करें, उसको टेस्टिंग कैसे करें। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं बताए गए सभी जो मैं भी जब ऑनलाइन हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पाए। तो ये है डायोड। तो ये डायोड हमें चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर चाहिए। ये देखो, चेक करने के लिए मल्टीमीटर चाहिए। ये प्लस और सामने माइनस है, लगाने पर 13.2। जब उल्टा करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। मल्टीमीटर में मैंने चेक किया है तो ये ऐसे दिखा रहा है। तो ये ऐसे हम चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं हो और फिर भी डायोड को चेक करना चाहते हो तो ये आसान तरीका है। तो उसके लिए आपको ये एलईडी चाहिए 12 वोल्ट, या फिर ये मेरे पास जो है ये 5 वोल्ट का एलईडी है, यानी कि 5 वोल्ट से चलने वाला एलईडी है। और ये बैटरी है, हम बैटरी से ही चेक कर सकते हैं उसको। तो ऐसे हम करेंगे तो ये नहीं जल रहा है, देखो ये कुछ नहीं जल रहा है। अब इसको उल्टा करके प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में देंगे तो एलईडी जलेगा, मतलब कि डायोड सही है, अच्छी तरह से चल रहा है। अगर उल्टा करने के बाद भी अगर वो जलता है तो डायोड शॉर्ट है। अगर ऐसे करेंगे और फिर भी एलईडी जलेगा तो ये शॉर्ट है। ऐसे हम उसको चेक कर सकते हैं। ये बैटरी है, ये 4 वोल्ट की 4 वोल्ट्स की बैटरी है। तो ऐसे हम डायोड को चेक कर सकते हैं। और हमें मल्टीमीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम डायोड को चेक कर सकते हो, चेक करके रिपेयर भी कर सकते हैं उसको। ये डायोड को चेक करने का आसान तरीका है जो मैंने आपको बता रहा हूँ मैं। जब प्लस में प्लस देंगे और माइनस में माइनस देंगे तो जलेगा, और उसको हम उल्टा करेंगे तो नहीं जलता है, माने ये डायोड सही है। रेक्टिफायर के अंदर या कुछ भी हो जिसके अंदर डायोड लगा हो उसको ऐसे भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं और ये एकदम सही चलेगा। और ये एलईडी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर, टेक इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं आपको नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन में दिखाए। तो ये एलईडी को हमें सीरीज में लगाना है, सीरीज में हम लगाएंगे तो ही वो अच्छी तरह से दिखाई पाएगा। उसको माइनस को माइनस में और प्लस को हम खुले छेड़े को खुले रखेंगे और उसको बीच ही हम डायोड को चेक करेंगे।